अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके गर्ल्स, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट हाफ पढ़ लिया था इसका, माय फाइनेंशियल करियर का जो है उस ट्रांसलेशन। आज हम लोग इसका सेकंड हाफ पढ़ेंगे और इसकी ट्रांसलेशन ख़त्म करेंगे और इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ना है यहाँ से आई रोज, ठीक है, सेकेंड पेज 26 आई रोज। कहाँ तक हम लोग पहुँचे थे कि वो जब वो मैनेजर के पास जाता है तो उसे लगता है कि शायद ये कोई बहुत बड़ी अमाउंट जमा करवाने वाला है, लेकिन उसके पास बिल्कुल 56 डॉलर्स होते हैं। तो वो कहता है कि अब मैंने क्या किया, यानी कि 56 डॉलर्स जो है वो मैंने डिपॉज़िट करवा दिए, करवाने हैं, और जो हर महीने वो 50 डॉलर जमा करवाऊँगा। जिससे थोड़ा सा वो रूड होता है कि इसने मेरा इतना टाइम ज़ाया कर दिया, जो भी है। वो खड़ा होता है, वो मैनेजर को आवाज़ देता है इसका अकाउंट खोल दो, इसने इतने पैसे जमा करवाने हैं। ठीक है, अब यहाँ से आगे हम लोग स्टोरी पढ़ेंगे। आई रोज, मैं उठ खड़ा हुआ। अ बिग आयरन डोर स्टूड ओपन एट द साइड ऑफ द प्राइवेट रूम, कहता है मैं जो प्राइवेट कमरा था, जो खसूसी कमरा था, उसमें पहलू में एक बड़ा दरवाज़ा खुला हुआ था। गुड मॉर्निंग, सुबह है, आई सेड, मैंने कहा, एंड स्टेप्ड इनटू द सेफ, और मैं सेफ में दाखिल हो गया। जो दरवाज़ा खुला हुआ था उसे लगा ये बाहर निकलने का दरवाज़ा, लेकिन वो एक अलमारी का दरवाज़ा था। वो कहता है कि मैंने भी उसके साथ सलाम दुआ की और दोबारा उस सेफ में दाखिल हो गया। कम आउट, बाहर निकलो, सेट द मैनेजर क्लाउडली, मैनेजर ने रुखे अंदाज में कहा, एंड शोड मी द अदर वे, और उसने मुझे दूसरा रास्ता दिखाया। आई वेंट अप टू द अकाउंटेंट, मैं दोबारा अकाउंटेंट के पास गया, विकेट, एंड पॉक्ड द बॉल ऑफ मनी एट हिम विद अ क्विक कंक्लूसिव मूवमेंट एज इफ आई वर डूइंग अ कंजोरिंग ट्रिक, कंजोरिंग जादुई करतब। ठीक है, वो कहता है मैं चलता हुआ अकाउंटेंट की खिड़की के पास गया, गेंद की शक्ल में लिपटी रकम एक इस तरह भी झटके से इस तरह धकेल दी जैसे कि मैं कोई जादुई करतब कर रहा हूँ। माय फेस वाज गैस्ट्रली गैस्ट्री, यानी कि खौफनाक पेल, मेरा जो चेहरा था वो खौफनाक आता जर्द पड़ चुका था। हेयर आई सेड डिपॉजिट इट, ये लो इसे जमा करो, आई सेड, मैंने कहा। द टोन ऑफ द वर्ड सीम टू मीन, जो मेरा लबो लहजा था वो ये जाहिर कर रहा था, लेट अस डू दिस पेनफुल थिंग्स वाइल द फिट इट इज ऑन अस, कहता है कि मेरा जो लबो लहजा जाहिर कर रहा था कि इस तकलीफ दे काम को कर ही डाले, जबकि वाइल द फिट इज ऑन अस के जिसे सर अंजाम देने का दौरा पड़ा हुआ है। कहता कि मैंने, मेरी जो आवाज़ थी वैसे थी कि इस तकलीफ दे काम को कर ही डालो, जिनके मेरा जो लहजा था ना वो ये शो करवा रहा था, आल दो वो कह नहीं रहा था। ही टुक द मनी एंड गेव इट टू एन अदर क्लर्क, मैंने रकम उठाई और एक और क्लर्क को दे दी। ही मेड मी राइट द सम ऑन अ स्लिप एंड साइन माई नेम इन अ बुक, उसने मुझे एक स्लिप पर रकम लिखवाई और एक किताब में मेरे नाम पर दस्तखत करवाए। आई नो लॉन्गर न्यू वट आई वॉज डूइंग, मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। द बैंक स्वैम बिफोर माई आई, बैंक मेरी आंखों के सामने स्वैम घूम रहा था। इस डिपॉजिट का जो जमा हो गई है, आई आस्क, मैंने पूछा, इन अ हॉलो वाइब्रेशन वॉइस, डूबती हुई लरजती हुई आवाज़ में, इट इज़ सेड द अकाउंटेंट, जी हाँ हो चुकी है, अकाउंटेंट ने कहा। देन आई वॉन्ट टू ड्रॉ अ चेक, तो मैं एक चेक निकलवाना चाहता हूँ। माई आइडिया वॉज टू ड्रॉ आउट $6 ऑफ इट फॉर प्रेजेंट यूज, मौजूदा इस्तेमाल के लिए, उसमें से मेरा $6 निकलवाने का इरादा था। ठीक है, कहता है समवन गेव मी अ चेक बुक थ्रू अ विकेट एंड समवन एल्स बिगेन टेलिंग मी हाउ टू राइट इट आउट, किसी ने मुझे एक खिड़की के सुराख में से चेक बुक दी और किसी दूसरे शख्स ने मुझे चेक लिखना सिखाने लगा। द पीपल इन द बैंक एंड द इंप्रेशन दैट आई वाज इन एन इनवैलिड मिलियनेयर, कहता है बैंक में मौजूद लोगों को यह तासर मिला कि मैं एक झूठा करोड़पति हूँ। आई रोट समथिंग ऑन द चेक एंड थर्स्ट इट एंड द इट इन एट द क्लर्क, कहता है मैंने मैंने चेक पर कुछ लिखा और खिड़की के सुराख में उसे क्लर्क की तरफ धकेल दिया। ही लुक्ड एट इट, उसने उसे देखा। वट आर यू ड्राइंग इट ऑल आउट अगेन, क्या तुम पूरी की पूरी रकम दोबारा निकलवा रखे हो। ही आस्क इन सरप्राइज, उसने रानी से पूछा। देन आई रियलाइज दैट आई हैड रिटन 56 इंस्टेड ऑफ 6, फिर मुझे एहसास हुआ कि मैंने 6 के बजाय 56 लिख दिया है। आई वॉज टू फॉर गोन टू रीजन नाउ, अब मैं दलील देने की हद से कहीं दूर जा चुका था। आई हैड अ फीलिंग दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन द थिंग, मुझे ये एहसास हो गया था कि इस बात की वजाहत करना बड़ा मुमकिन है। ऑल द क्लर्क हैड स्टॉप्ड राइटिंग टू बुक एट, तमाम क्लर्क लिखना छोड़कर मुझे देखने लगे।
रेकलेस बेपरवाह विद मिजरी मुसीबत के साथ आई है। आई मेड अ प्लंज, कहता है मैंने प्लंज यानी कि थावा बोल देना, अचानक हमला करना। यस जी हाँ, द होल थिंग, तमाम चीज़ें। यू विदड्रॉ योर मनी फ्रॉम द बैंक, तुम बैंक से अपनी सारी सारी रकम निकलवा रखे हो। एवरी सेंट ऑफ इट, एक एक पाई निकलवाना चाहते हो। सॉरी, नेक्स्ट पेज। रेकलेस विद मिजरी आई मेड अ प्लंज, मुसीबत में बेपरवाह होकर मैंने उस पर धावा बोल दिया। यस द होल थिंग्स, जी हाँ सारी की सारी रकम। यू विड्रॉ योर मनी फ्रॉम द बैंक, क्या तुम अपनी सारी की सारी रकम बैंक में से निकलवाना चाहते हो। एवरी सेंट ऑफ इट, क्या एक एक पाई निकलवाना चाहते हो। आर यू नॉट गोइंग टू डिपॉजिट एनी मोर, क्या आप कोई रकम मजीद जमा नहीं कराना चाहते। सेट द क्लर्क ने कहा एस्टोनिश्ड, हैरान होकर पूछा। ठीक है, हक्का बक्का होकर। नेवर, हरगिज नहीं। एनी इडियट होप स्टक मी दैट दे माइट थिंक समवन हैड इंसल्टेड मी व्हाइल आई वाज ट्राइंग द चेक एंड दैट आई हैड चेंज्ड माय माइंड। वो कहता है कि अहमकाना उम्मीद मेरे जहन में आई कि वो सोच सकते हैं कि जब मैं चेक लिख रहा था तो किसी ने मेरी बेइज्जती की है और ये कि मैं अपना रदा तब्दील कर लिया है। ठीक है, आई मेड अ रेस्ट अटैम्प्ट टू लुक लाइक अ मैन विद अ फेयरफुल क्विक टेम्पर। कहता कि मैंने एक ऐसे शख्स की तरह दिखाई देने की मायूस कर कोशिश की जो कि खौफनाक हद तक तेज़ मिजाज है। वो कहता है कि उन्होंने कहा कि मेरी इंसल्ट की है कि जब मैं ये चेक लिख रहा था किसी ये लोगों ने, तो मैंने अब क्या किया, एक बहुत ज़्यादा तेज़ मिजाज शख्स होने की कोशिश की, तो मैंने गुस्से में आकर अपनी सारी रकम निकलवा ली। द क्लर्क प्रिपेयर टू पे द मनी, क्लर्क रकम अदा करने के लिए तैयार हो गया। द हाउ विल यू हैव इट, ही सेड, आप इसे किस सूरत में लेना चाहेंगे। ही सेड, उसने पूछा। वट, क्या। हाउ विल यू हैव इट, आप इसे किस सूरत में लेना चाहेंगे। ओ आई कैच, मैं समझ गया हिज मीटिंग, उसके मीनिंग, उसके मतलब को। एंड आंसर्ड विदाउट एनी ट्राइंग टू थिंक इन 50s, कहता कि मैंने बगैर सोचे समझे उसे जवाब दे दिया कि 50-50 में। ही गेव मी $50 बिल, उसने मुझे $50 का एक नोट दे दिया। एंड द 6 और बाकी 6 ही आस्क्ड ड्राइली, उसने रुखे अंदाज में कहा। ही गेव इट टू मी एंड आई रश्ड आउट, उसने मुझे ये भी दे दिया और मैं बाहर को लपका। एज द बिग डोर स्वंग बिहाइंड मी आई कैच द इको ऑफ अ रोर ऑफ लाफ्टर दैट वेंट अप द सीलिंग ऑफ द बैंक। वो कहता है कि जो ही मेरे पीछे बैंक का बड़ा दरवाज़ा घूम कर बंद हुआ तो मुझे एक ज़ोरदार कहके की बाजगश सुनाई दी जिसकी गूंज बैंक के छत तक गई। सिंस देन आई बैंक नो मोर, वो कहता है उस वक्त से अब तक मैं बैंक से कोई लेन देन नहीं करता। आई कीप माई मनी इन कैश इन माई ट्राउज़र पॉकेट, कहता है कि मैं अपनी ट्राउज़र यानी कि पतलून की जेब में अपनी रकम को रखता हूँ। एंड माई सेविंग्स, और अपनी जो जमा पूंजी या बचत होती है, इन सिल्वर डॉलर्स इन अ सॉक्स, वो क्या करता है कि सिल्वर डॉलर की सूरत में जराब में रखता है। ठीक है, सो ये था उसका एक्सपीरियंस एक बैंक को विज़िट करने का। ठीक है, वो कहता है अब उसका वो कुछ अच्छा तजर्बा नहीं रहा, उसके बाद उसने दोबारा कभी भी बैंक जाने की कोशिश नहीं की। सो दैट्स ऑल, यहाँ पर ट्रांसलेशन ख़त्म हो गई इस चैप्टर की। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम लोग इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सो अल्लाह हाफिज़।